जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बस 3 महीने बस जाए तो ऐसे में पार्टियों के अंदर नेताओं का आना जाना लगातार सिलसिला जारी है। तो वहीं बीजेपी पार्टी कई बड़ी सभा लगा रही है। वहीं अखिलेश भी साइकिल पे मोर्चा करते नजर आ रहे। वहीं एक बार फिर एबीपी न्यूज ने ओपिनियन पोल का बड़ा खुलासा करते हुए 403 सीटों और 74 जिलों का भयंकर ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी की बड़ी टक्कर तो नहीं नजर आ रही है। वहीं तो एक बार फिर योगी जी ने सपा पार्टी और दूसरी पार्टी पर पकड़ा भारी कर दिया है। वहीं दूसरी पार्टियों को तगड़ा धड़का मिलता नजर आ रहा है। वहीं 2017 की बात करें तो 2017 में सपा पार्टी को बड़ी पूर्णतः टक्कर दी थी ना, अब की बार उनका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगी कौन सी पार्टी कितनी सीटें मिलेगी। तो पहली सीट हमारी आगरा है दोस्तों। आगरा में कुल 9 सीटें, इसमें 9 में से 7 बीजेपी को, 1 सपा को और 1 बसपा को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगली सीट हमारी शाहजहांपुर है। शाहजहांपुरा में कुल 6 सीटें, 6 में से 2 बीजेपी को, 3 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी चित्रकूट है। चित्रकूट में कुल 2 सीटें, 2 ही 2 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ अखिलेश की साइकिल काम नहीं आई। वहीं अगली सीट हमारी मेरठ है। मेरठ में कुल 7 सीटें, इसमें 7 में से 5 बीजेपी को, 1 सपा पार्टी को और 1 बसपा को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बाकी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं अगली सीट हमारी गाजियाबाद है। गाजियाबाद में कुल 5 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती हुई नजर आ रही है। और अगली सीट हमारी बदायूं जिला है। बदायूं जिला में कुल 6 सीटें, 4 बीजेपी को, 1 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अखिलेश को तगड़ा झटका मिलता नजर आ रहा है। वहीं अगली सीट हमारी मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में कुल 6 सीट में, 6 में से 3 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली सीट हमारी मथुरा है। मथुरा में कुल 5 में 5 5 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं 2017 के साथ 2022 के चुनाव भी योगी जी जीत के नजर आ रहे हैं। वहीं जय हिंद योगी जी के, योगी जी कमेंट में जरूर लिखे। वहीं अगली सीट हमारी बुलंदशहर है। बुलंदशहर में कुल 7 सीट है, 7 में से 6 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं 1 सपा को मिलती नजर आ रही है। यहाँ योगी जी ने बाकी पार्टियों को तगड़ा झटका दे दिया है। वहीं अगली सीट हमारी मिर्जापुर है। मिर्जापुर में कुल 5 सीट में 5 5 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बाकी का सबका, बाकी को सबको खदेड़ कर रख दिया है। वहीं अगली सीट हमारी अलीगढ़ है। अलीगढ़ में कुल 7 सीट है, 7 में से 4 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 हाथी को मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का तो अभी तक खाता नहीं खुला है, नामो निशान उठ चुका है उत्तर प्रदेश से। वहीं अगली सीट हमारी गाजीपुर है। गाजीपुर में कुल 7 सीट में 7 ही 7 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं 2017 में भी गाजीपुर में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी और इस बार भी सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी हाथरस से। हाथरस में कुल 3 सीटें, 3 में से 2 बीजेपी को और 1 एसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं 2017 में भी बीजेपी जीती थी और 2022 में भी बीजेपी जीतती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी फतेहपुर है। फतेहपुर में कुल 6 सीट है, 6 में से 3 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अखिलेश की, अखिलेश के बाल तो क्या टोपी भी साथ में उड़ती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी मुरादाबाद है। मुरादाबाद में कुल 6 सीटें हैं, 6 में से 3 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं सपा का यहाँ पे खाता नहीं खुला, सपा हारती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी आजमगढ़ है। आजमगढ़ में कुल 6 सीट, 10 सीटें, 10 में 6 बीजेपी को, 4 सपा को मिलती नजर आ रही है। दोस्तों टक्कर तो बीजेपी और एसपी में है, बाकी तो सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। वहीं अगली सीट हमारी फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद में कुल 4 सीट है, 4 में से 2 बीजेपी को, 1 एसपी को और 1 बीएसपी को मिलती नजर आ रही है। वहीं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें।